मंकी डायरेक्टेड बाय टेरी गिलियम, जो इसके अंदर कास्ट है ब्रैड पिट है, ब्रूस विल्स है। ये मूवी जो थी वो 1995 के अंदर आई थी। इस मूवी को देखने की इच्छा मेरे अंदर जब जाहिर हुई, जब हम बहुत सारे यार दोस्त बैठे थे तो हम बात कर रहे थे कि एक 12 मंकी नाम से एक मूवी है। मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि 12 मंकी नाम से एक मूवी है और उसके अंदर जो एक्टिंग जो है ब्रैड पिट के द्वारा जो की गई है वो बहुत अच्छी है। तब से मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये इच्छा क्यूरियोसिटी हो गई कि भाई ये मूवी मैं देखूं कि कैसी उन्होंने एक्टिंग की है देखने के लिए। और जब मैंने ये मूवी देखी तो वाकई में जो उन्होंने जो एक्टिंग की है, उन्होंने एक इस मूवी के अंदर एक मेंटल एक यानी एक पागल का किरदार निभाया है जो बहुत मतलब आप देख के हैरान हो जाओगे कि 1995 के उस टाइम में उन्होंने ऐसी मूवी क्रिएट कर दी, ऐसी एक्टिंग उन्होंने कर दी वहाँ पे। और दूसरी साइड ब्रूस विल्स जिन्होंने मतलब बहुत दमदार परफॉर्मेंस इसके अंदर दी है। तो अगर आप लोगों को जानना है कि एक्टिंग वाकई में कैसी है तो रियली में इस मूवी को देखो, ब्रैड पिट को, ब्रूस विल्स को, जो इन्होंने इसमें एक्टिंग की है। 12 मंकी ये मूवी बहुत अच्छी लगी मुझे एक्टिंग के मामले में। हाँ, स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है। अगर हम बात करें, वो 1995 की मूवी है और आज हम 2019 में हैं तो बहुत टाइम डिफरेंस हो जाता है। तो हमारे लिए तो एक तरीके से हम सोचेंगे क्या दिखाया जा रहा है, लेकिन अगर हम उस टाइम में रह के बात सोचें कि भाई उस 1995 की बात है तो बहुत एक अच्छी मूवी आपको लगेगी है। जो कहानी है इसके अंदर कि एक वायरस पूरी पूरे वर्ल्ड में फैल जाता है जिससे बहुत सारे लोग मर जाते हैं, आधे से ज़्यादा लोग मर जाते हैं। तब ब्रूस विल्स को पास्ट में भेजा जाता है कि इस वायरस की इंफॉर्मेशन वो इकट्ठी करें ताकि इस वायरस का एक तोड़ निकाल सकें और वापस वो अर्थ में अपना जीवन फिर से स्टार्ट कर सकें। तो ये मूवी की कहानी है। आजकल देखा जाए तो रेजिडेंट ईवल के नाम से भी एक मूवी है जिसके छः छः पार्ट निकल चुके हैं जो इसी मूवीज़ के इसी कहानी के ऊपर बेस है। आपको लगेगा तो ये तो हमने भी देख रखी है, लेकिन उस टाइम में तो एक कोई ऐसी मूवी नहीं थी सिवाय इसके। तो एक अच्छी मूवी आप कह सकते हैं, एक्टिंग के मामले में बहुत अच्छी मूवी कह सकते हैं। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने अभी तक 12 मंकी नहीं देखी है तो आप जाके इसे देखें। अगर आप में से किसी ने 12 मंकी देख रखी है तो नीचे आपने कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपको यह मूवी कैसे लगी। दूसरी चीज़, ब्रूस विल और ब्रैड पिट जिन्होंने एक्टिंग बहुत अच्छी की है। अब मैं तो वैसे कोई होता नहीं हूँ कि उनको जज करूँ, लेकिन मैं बस अपना ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि भाई उन्होंने एक्टिंग कैसी की है। अब कहीं काफ़ी सारे कहेंगे यार तू कौन होता है, तुझे क्या पता है एक्टिंग का, तू जज करेगा। नहीं भाई, मैं तो कोई होता भी नहीं हूँ किसी को जज करने वाला, या फिर बस मैं एक अपना ओपिनियन दे सकता हूँ कि हाँ मुझे वो एक्टिंग कैसी लगी। मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ लोगों के साथ, बस इतना ही है। ना कि मैं जज कर रहा हूँ कि उस उन्होंने दमदार परफॉर्मेंस करके सबको हिला दिया या फिर ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने एक्टिंग बहुत अच्छी की, मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी और तभी मैं रिकमेंड कर रहा हूँ अपनी ऑडियंस को कि अगर उन्होंने वो नहीं देखी है 12 मंकी और वो एक्टिंग वो देखना चाहते हैं उस टाइम जो ब्रैड पिट ने उस मूवी में की थी, ब्रूस विल ने जो उस मूवी में की थी, तो आप वो देख सकते हैं और आपको वाकई में लगेगा कि ये बहुत अच्छी मूवी। बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।